ये बात है जुलाई 1497। एक साहसी नाविक अपने 170 साथियों के साथ चार नाव पे सवार होकर एक लंबी और भयानक समुद्र यात्रा पर निकलता है। इनका उद्देश्य था एक ऐसे मार्ग का खोज करना जो कि भारत से कनेक्ट करती हो, जहां पर मसालों और व्यापारिक वस्तुओं का एक असीम संभावना था। लेकिन यह यात्रा इतना आसान नहीं था। समुद्र की ऊंची लहरें, तेज हवाएं इनके मन को झकझोर रही थी। लेकिन इन सबों के बीच जो जिंदा था वो था इनका हौसला, जो कि इनके मंजिल की तरफ इनको खींचे ले जा रहा था। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साहसी नाविक जिसका नाम वास्को डी गामा था, जिसने यूरोप से लेकर भारत तक एक ऐसे समुद्री मार्ग का खोज किया जिससे कि भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंधों में काफी मजबूती का काम किया और बाद में चलकर वास्को डी गामा को भारत की खोज करने का श्रेय भी मिला। वास्को डी गामा ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत लिस्बन यूरोप अटलांटिक महासागर से अपने 170 साथियों के साथ स्टार्ट किया। ये सफर इतना आसान नहीं था क्योंकि समुद्र की ऊंची लहरें और तेज हवाएं नाविकों को थका रही थी, लेकिन वास्को डी गामा के नाव ने कभी हिम्मत नहीं हारी। अटलांटिक महासागर को पार करके उनका अगला पड़ाव था केप ऑफ गुड होप, जो कि अपने तूफानी हवाओं के लिए कुख्यात थे। महीनों की यात्रा तय करने के बाद ये मालदीव ईस्ट यूरोप के तट पर पहुंचे, जहां पर इनको एक भारतीय नाविक मोहम्मद इब्न माजिद से मुलाकात हुई, जिसने इनका मार्गदर्शन किया और हिंद महासागर का रास्ता दिखाया, जो कि सीधा इनको भारत लेकर आया। माजिद की इस मार्गदर्शन ने वास्को डी गामा के लिए रामबाण साबित हुआ और वास्को डी गामा भारत की भूमि कालीकट आ पहुंचा। कालीकट उस टाइम मसालों के व्यापार के लिए विख्यात था। वहां पर पहले से ही अरब व्यापारियों ने अपने सेंटर बना रखे थे। उस टाइम कालीकट में जमोरी राजा का शासन हुआ करता था, जो कि हिंदू रूलर था। फिर साउथ मालाबार में जमोरी राजा शासन किया करता था। इनका ये शासन 12वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक चला। वास्को डी गामा का स्वागत जमोरी राजा ने खूब धूमधाम से किया, लेकिन व्यापारिक फैसला लेना इतना आसान नहीं था। यूरोप और भारत का ये पहला सीधा संपर्क था जो कि भविष्य में एक बड़े व्यापार का विस्तार का स्वरूप ले सकता था। हालांकि वास्को डी गामा को व्यापार में बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन वास्को डी गामा ने मसालों और व्यापारिक सामग्रियों के साथ पुर्तगाल वापस जाने का फैसला लिया। लेकिन पुर्तगाल वापसी इतना भी आसान नहीं थी, क्योंकि खाने की कम सामग्री, समुद्र की ऊंची लहरें और स्कर्वी जैसी बीमारियां कई नाविकों का जान ले चुकी थी। 1499 में वास्को डी गामा पुर्तगाल सुरक्षित पहुंचा, जहां पर उसको भारत की समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय मिला। वास्को डी गामा की इस यात्रा ने भारत और यूरोप के समुद्री मार्ग का रास्ता खोल दिया था। इस यात्रा के बाद यूरोप ने मसालों के व्यापार में खूब तरक्की की और बाद में चलकर यूरोपीय औपनिवेशिक की नींव रखी। वास्को डी गामा की इस यात्रा ने न केवल व्यापारिक संबंध बल्कि इतिहास के पन्नों को एक नया मोड़ दिया और वास्को डी गामा को बाद में चलकर भारत की खोज करने का भी श्रेय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।